गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर लोगों को किया संबोधित। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। गाजीपुर, आज दिन सोमवार शाम 4 बजे भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वीरांगना फूलन देवी के पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर लोगों को किया संबोधित। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने राजनीतिक बात करते हुए लोगों को यह बताया कि भाजपा सरकार गरीबों के लिए कल्याणकारी है। इस सरकार में लोगों के हित के लिए सोचा जाता है। जब बड़े बड़े दल समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं तो छोटे दल का निर्माण होता है। ट्रेन राजनीतिज्ञ व्यक्ति अवसरों का लाभ उठाता है। उन्होंने कहा कि निषाद बिन केवट समाज के विकास के लिए मोदी योगी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इस समाज के आरक्षण का कार्य अंतिम चरणों में केंद्रीय मंत्रालय में चल रहा है। शीघ्र ही उन्हें अनुसूचित जाति का लाभ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के निषाद समाज के उत्थान के लिए वह दिन रात एक कर प्रयास कर रहे हैं। योगी सरकार ने अमृत सरोवर योजना के तहत हर ग्राम में तालाब खुदवाए रही है जिसमें मछली पालन किया जाएगा। जिले में बालू के पट्टे व घाटों के पट्टे पर होने वाली आमदनी का आधा हिस्सा निषाद समाज के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। मोदी जी, योगी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश मछुआ समुदाय का 70 साल के पार्टियों ने वोट लिया, सबने इनका यूज किया, किसी ने इनको एक पैसे नहीं दिया था। धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग किया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति के नाम पर हमारे इस मछुआ समुदाय जल पर आश्रित लोगों को 20,000 करोड़ रुपये का अनुदान किया, 9,000 करोड़ का इनलैंड का और 11,000 कोस्टल लाइन मतलब समुद्री से। उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से लगभग उत्तर प्रदेश में 25 परियोजनाएं ऐसी हैं जिसमें हम 60% सब्सिडी देकर इस मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हम ज्ञान भी दे रहे हैं अपने विभाग के द्वारा, अनुदान भी दे रहे हैं, थोड़ा सा उनका अंशदान ले रहे हैं। और पहले था कि जिसके पास खेती होगा, ताल होगा, बड़ा सा पॉन्ड्स होगा, जलाशय होंगे, वही इस क्षेत्र में काम कर सकता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में 250 करोड़ रुपए के लगभग अनुदान की व्यवस्था की गई है इस साल के। इनको क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं था, जागरूकता नहीं थी, इसलिए ले नहीं पाए थे इस साल से। अभी मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 25 परियोजनाओं के लिए यहाँ व्यवस्था दी है। उसमें से लगभग आधे पैसे 250 में हम विपणन के क्षेत्र में मार्केटिंग भी होगा, उत्पादन भी होगा। कोई भी व्यक्ति, हमारा गरीब आदमी साइकिल से भी व्यवसाय कर सकता है। उसमें 10,000 में 6,000 रुपये से जो 250 दे रहे हैं, साइकिल से भी कर सकता है। उसमें 45,000 रुपये महिला के नाम है, पुरुष के नाम है 30,000 रुपये। अगर वो एक दुकान भी खोलता 10x10 का महिला के नाम से, तो हम 10 लाख में 6 लाख रुपये से सब्सिडी देते हैं। अनुदान है, अभी तक मेरे समाज को पता था कि ऋण लेकर ही हम व्यवसाय कर सकते हैं। क्योंकि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जिंदा मछली का भी व्यापार करता है, तो 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है और उसकी एक्साइज है, उसमें हम 12 लाख रुपए उन्हें अनुदान दे रहे हैं। विथ आइस बॉक्स ये अपना टेम्पो ले सकता है। आप छोटे अपने गरीब आदमी अपने घर के पीछे भी 10x10 का टैंक खोल ले, 5 फीट का रेयरिंग करा सकता है कि 2 से 12 पैसे का बीज लेकर 100 से 150 दिन में वो 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के बड़ा करके बेच सकता है। तो ऐसे में इनको कहना था भाई, लक्ष्मी हाथ और हाथी और साइकिल पर कभी दिखती नहीं है, लक्ष्मी हमेशा कमल पर दिखती है और कमल पानी में होता है। तो इसलिए मतलब असली लक्ष्मी पानी में, इनके पानी से दूर ना हो। इनके जल जंगल जमीन पर पिछली सरकारों ने, जब गांव में ताल नदी और पोखरे जिंदा थे, भरे थे, तब इनका स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों सही था। तो फिर से इनके ताल अमृत सरोवर के माध्यम से खुद रहे हैं और इनके जो ताल, इनको अनुदान देकर ये अगर अपने खेतों में महिला के नाम से अपनी जमीन अपनी महिला को ला के किराए पर लेके 10,000 दे दें। मतलब हर क्षेत्रों में 25 प्रकार की योजनाएँ हैं, किसी में भी ये शिक्षा होकर 1 तारीख से लेकर एक आवेदन लिए जा रहे हैं ऑनलाइन, और उसमें सरलीकरण कर दिया गया कि एक बैंक पासबुक, अपना आधार कार्ड लगा दें और कौन सी परियोजना में लेना चाहते हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ जान लें और आसानी से उसमें करें। और हमारे विभाग के लोग जाएंगे, अगर इनके कुछ प्रपत्र कम भी हैं तो बाद में भी उसे जमा करा लिए जाएंगे और जाएँ, और हमारे यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण भी विभागों में उनसे लिया जाएगा। और इससे एक तो इनको देखिएगा कि इनके लिए फ्री का बीमा है। पहले हमारे बिरादरी का आदमी कोई एक्सीडेंट होता था तो उसे नेता लोग या कोई उनसे शिक्षा, कोई विधवा हो जाती थी, उसे कोई सेवा, कोई मदद नहीं कर पाता था। और
मछुआ दुर्घटना बीमा के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए उसकी कैजुअलिटी खुदा न खास्ता न हो, लेकिन अगर हो जाता है तो उसके लिए नामनी को 5 लाख दिए जाते हैं। अगर 100% डिसेबिलिटी अपंगता आ गई तो भी 5 लाख रुपये देते हैं। पार्शियल अपंगता होने पर 2.5 लाख, अगर अस्पताल में चला गया तो हम 25,000 रुपये देते हैं। इनके यहाँ पहले था कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था ज़मीन के हिसाब से, कि अपनी ज़मीन को वो जो है बैंक गारंटी रखे, फिर उसे किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में उसे बैंक से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन मछुआरों के लिए नहीं था। प्रधानमंत्री जी से, RBI से मैंने अपील की कि मछुआ समुदाय को अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कार्ड घोषित करके सब छीन लिया, इनके पास ज़मीनें नहीं हैं, कुछ नहीं है। उन्होंने धनबाद में RBI ने गाइडलाइन जारी किया कि किसी भी मछुआ समुदाय के पास अगर एक जाल भी है उसके घर में काम करने का, एक नाव अगर कहीं है, या कोई भी इक्विपमेंट जो है पॉन्ड्स है कुछ भी है अगर मछली क्षेत्र में काम करने का, तो इसके लिए फिशरीज क्रेडिट कार्ड उस बैंक से बिना किसी गारंटी के 10,000 से लेकर 1,60,000 इनको है। तो आज हमारे यहाँ विभागों में 7 इनको अधिकारी कर्मचारी आधे से ज़्यादा रिटायर्ड हो गए, आधे भरे नहीं गए, उसके लिए प्रयास जारी है। तो आज के दिन में हम इसको जागरूकता के क्रम में इन्हें बुलाया हूँ कि आज के दिन में भाई आप 3 साल से हमारे साथ, 2013 से हो, हम 2019 से भाजपा के साथ हैं। तो भाजपा ने बार बार हमारे विपक्षी जो हैं वो हमलावर होते रहते हैं, गांव में लोगों के दिमाग में जहर घोलते रहते हैं कि 3 साल में तुम्हें क्या मिला क्या मिला, तो इनसे बताना था ये क्या मिला है। इनके बीच में भी आज के दिन में बताना था कि इनका जो एक आरक्षण का मुद्दा है जिसके वजह से लोग यहाँ आंदोलन भी किए थे, उसमें जेल भी हुआ था, उसमें ढेर सारे इनकी समस्या मतलब इनको प्रताड़ित भी किए थे। तो कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं पुलिस में हो चाहे उसमें हो, कि अंदर से तो हाथी साइकिल पंजा है, ऊपर से कमल है, वो उनका चरित्र बाहर आ जाता है, उसके वजह से ये लोग परेशान रहते हैं। तो आज मैंने SSP से बोल दिया कि इनको बुलाकर इनकी समस्याओं का समाधान करें। मैंने मुख्यमंत्री से मिला हूँ कि इनके मुकदमे को आपसी हो जाए, और उसके लिए उन्होंने रिपोर्ट मांगा, उसके लिए मैं आया हूँ कि यहाँ से किस तरीके से वकील से मिलकर इनके अद्यतन कई थाने में है और उसकी रिपोर्ट यहाँ से भिजवाई जाए, वहाँ से आएगा। और इनको ये बताना था कि जिस मुद्दे के लिए आरक्षण के लिए जेल गए थे उस पर कितनी प्रगति हुई, इनसे विरोधी परेशान करते रहते हैं। तो इनसे यही बताना था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारे इस पार्टी का, हमारे जीवन का आरक्षण एक मुद्दा, चूँकि हमें संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके लिए हमने मेरी पार्टी का, हमारा खुद का जन्म हुआ है, तो उसके लिए मेरी लड़ाई, पहले मैं सड़क पर था, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी ने धन्यवाद देना था कि देश प्रदेश में जगाया, और मैं धन्यवाद, मैं अपने को गौरवान्वित हूँ कि जिस समुदाय के लिए मैं संघर्ष कर रहा था उस समुदाय के लोगों की सेवा के लिए हमें मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में मत्स्य मंत्रालय अलग किया, वहाँ पैसा आया 20,000, उत्तर प्रदेश मत्स्य मंत्रालय अलग किया गया, हमें कैबिनेट मंत्री बनाया, पहली बार बजट में इनके लिए मैं मुख्यमंत्री